हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube के सुपर क्लासेस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के बारे में। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। तो रसायन विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण से जो भी 15 वर्षों तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 15 वर्षों तक, उसको आज हम पढ़ेंगे। सारे प्रश्न सिर्फ एक वीडियो में पढ़ेंगे और ये प्रश्न बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से, इंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब के सब। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, तो जिसमें आप लोग अगर चाहें तो आप ऐड हो सकते हैं उसमें से। उसमें खासकर IERT वालों के लिए है, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डालेंगे, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा तो ताकि आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा ये है कि वेस्टवाल विधि में अमोनिया के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ये आपका ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये PT प्लेटिनम। ये क्या है? ये आपका आंसर राइट आंसर है। देखिए, इसमें कंडीशन और होती है कि जो PT होता है ये धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं। तो अभी इसके बारे में चर्चा होगी कि धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में। देखिए, इसके देखिए प्लेटिनम क्या होता है? एक धनात्मक उत्प्रेरक है, ये पता है समझ में। और ओस्टवाल प्रक्रम नाइट्रिक अम्ल बनाने की एक रासायनिक प्रक्रम है। ये नाइट्रिक अम्ल NH3 बनाने की एक रासायनिक प्रक्रम है। और जो H3PO4 होता है ये एक ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। और धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य ये होता है कि इसकी गति को बढ़ा देते हैं, तीव्र गति से बढ़ा देते हैं। और जो ऋणात्मक होते हैं उसकी गति को क्या कर देते हैं, ये घटा देते हैं, यानी मंदक का कार्य करता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न हमारा ये है कि कापर के प्रगलन में प्रयुक्त बेसेमर परिवर्तक का स्तर होता है। तो कापर के प्रगलन में किसका स्तर लगा होता है? तो उसमें होता है चूना का, लाइम का, ये इसका स्तर लगा होता है। तो ये देखिए, ये प्रश्न भी क्या है, 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये सब के सब प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए, V2O5 उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न के उत्पाद में किया जाता है, यानी वेनेडियम पेंटाक्साइड का प्रयोग किस उत्पाद के लिए, उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ये होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस उत्प्रेरक का, वेनेडियम ऑक्साइड का उत्प्रेरक किया जाता है। इसका ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको आप कर लीजिएगा। ये सब के सब प्रश्न आप नोट करते जाइए। ये भी प्रश्न 2016 में पूछा गया है, सब के सारे के सारे। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ये इसको प्रयोग करने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है, ये बनाने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाने के लिए। तो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट करते जाइए। ये सब के सब प्रश्न सब इंपॉर्टेंट है, सब इसको नोट करते जाइए। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी FE का प्रयोग किया जाता है। तो FE कैसा है? ये भी एक धनात्मक होता है उत्प्रेरक किया जाता है। तो आप ये सब के सब प्रश्न, और देखिए इसमें अमोनिया तीक्ष्ण गंध युक्त एक क्षारी गैस है। अगर अमोनिया को पूछ दे क्या है, तो ये क्षारी गैस है, इसको भी नोट कर लीजिए, जो कि लाल लिटमस को नीला कर देती है। ये भी ध्यान रखिए, ये भी इसको भी नोट कर लीजिए। ये सब के सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक का द्रव्यमान होता है। तो रासायनिक क्रिया के अंत में उत्प्रेरक का द्रव्यमान क्या होता है? ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक, कौन सा ऋणात्मक उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो अभी क्या बताया, ऋणात्मक उत्प्रेरक ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर H3PO4।
तो ये क्या होते हैं, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। और ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है कि ये मंद कर देते हैं, इसकी गति को, क्रिया की गति को मंद कर देते हैं, यानी धीरे कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसमें हम दिखा रहे हैं आपको कि ये देखिए एल्कोहल, एल्कोहल भी क्या होता है ऋणात्मक, एल्कोहल भी क्या होगा ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। अब इसको याद रख लीजिएगा, एल्कोहल भी क्या होगा, वो भी क्या होंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक होंगे। तो जब ये भी उत्प्रेरक ऋणात्मक होंगे तो ये भी क्या करेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक किसी भी किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, मंद कर देते हैं, ये हमने अभी बताया है। तो ये सब के सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करते जाइए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक स्व उत्प्रेरक है, स्व उत्प्रेरक, तो स्व उत्प्रेरक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्व उत्प्रेरक होते हैं। देखिए स्व उत्प्रेरक क्या होता है, नाइट्रस अम्ल क्या है, स्व उत्प्रेरक है। अब इसके बाद देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत निर्मित कोई उत्पाद पदार्थ जब उस अभिक्रिया हेतु उत्प्रेरक का कार्य करना प्रारंभ कर दे तो वह स्व उत्प्रेरक कहलाता है, स्व उत्प्रेरक कहलाता है, इसको याद रख लीजिएगा। एवं उस रासायनिक अभिक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। ये सब नोट कर लीजिए, ये सब याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सब हैं। स्व उत्प्रेरण अभिक्रिया को प्रेरित उत्प्रेरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिए। इसके बाद एक निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक उत्प्रेरक है, तो हमने क्या बताया धनात्मक उत्प्रेरक कौन से होते हैं उत्प्रेरक, प्लेटिनम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटिनम धनात्मक उत्प्रेरक। ये भी प्रश्न क्या है 2011 में पूछा गया है, ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है, तो इसको ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। ये देखिए प्लेटिनम क्या है, यहाँ प्लेटिनम धनात्मक उत्प्रेरक हो गया, जब धनात्मक होगा तो ये क्या करेगा अभिक्रिया की गति को क्या कर देगा, धनात्मक बढ़ा देते हैं, तो ये सब याद करते रहिए। देखिए निकिल भी क्या होता है, एक प्रकार से धनात्मक उत्प्रेरक हो, ये जो निकिल है, यहाँ निकिल है, ये भी क्या है धनात्मक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, तो ये भी क्या कर देता है गति की तीव्र गति कर देता है, गति अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है तीव्र गति से कर देता है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया है एक, यानी ये अभिक्रिया क्या है, समांगी उत्प्रेरण है कि विषमांगी उत्प्रेरण है कि स्व उत्प्रेरण है कि इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। देखिए यहाँ क्या है ठोस, आपको फिर से दिखा देते हैं, यहाँ देखिए ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये ठोस है, सॉरी ये ठोस है, यानी गैस और क्या ठोस, गैस लिक्विड और क्या सॉलिड, ठोस लिक्विड और ठोस है, यानी विषमांग है कि समांग है, विषमांग है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी विषमांग उत्प्रेरक, क्या हो जाएगा विषमांग उत्प्रेरक हो जाएगा, यानी जब देखिए विषमांग उत्प्रेरक की कंडीशन देखिए, वह उत्प्रेरण अभिक्रिया जिनमें कारक पदार्थ एवं उत्प्रेरक पदार्थ दोनों ही अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं तो विषमांग उत्प्रेरण कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ द्रव है, ये गैस हो गया, ये ठोस हो गया, तो क्या हो जाएंगे ये विषमांग उत्प्रेरण हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि अभिक्रिया है एक, यानी ये अभिक्रिया कौन सी है, तो ऑप्शन ये है आपके सामने, तो देखिए ये ठोस है, ये भी ठोस है, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी समांग उत्प्रेरण हो जाएगी, कौन सी समांग उत्प्रेरण, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए आपको दिखाया गया है कि ये क्या है, ये ठोस है, ये ठोस है, तो ये अभिक्रिया ये कैसे हो गई, ये समांग उत्प्रेरण हो गए। अब इसके बाद देखिए अगली कंडीशन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया है एक, निम्नलिखित अभिक्रिया है एक, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको समांगी उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, धनात्मक उत्प्रेरण, तो बताइए इसमें क्या है। अभी हमने बताया एल्कोहल, एल्कोहल कौन से ऋणात्मक होते हैं, कौन से उत्प्रेरक होते हैं, एल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरण, यानी इसका ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ देखिए एक
एक यहाँ भी क्या अभिक्रिया है, तो इसमें भी क्या है अल्कोहल है, तो कौन सी अभिक्रिया, ये उत्प्रेरण हो जाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरण हो जाएगा। ऋणात्मक कर्ता क्या है, मंदन कर देता है, गति को मंद कर देता है। देखिए ग्लिसरीन, ग्लिसरीन ये भी क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया है। ग्लिसरीन आएगा तो अभी ऋणात्मक होगा, ये भी क्या करेगा, गति को मंद कर देता है। ये सब के सब याद रखना है आपको। देखिए अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया तेल प्लस हाइड्रोजन प्लस निकिल प्लस घी निकिल बना रहा है, तो इसको बताना है कि ये कौन सी है। तो बताइए निकिल, निकिल आ गया तो निकिल यानी एन आई, हमने क्या क्या, निकिल क्या होता है, धनात्मक होते हैं, तो ये कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ये धनात्मक उत्प्रेरण हो जाएंगे। इसका के भी क्या होगा, ये भी अभिक्रिया के मंद क्या कर देंगे, ये बढ़ा देते हैं, तीव्र गति को बढ़ाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एक कंडीशन ये आ जाती है, ये अगर कहीं आपको मिल जाए तभी ये क्या होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण होते हैं, ये भी अभिक्रिया की तीव्रता को, गति को तीव्र कर देते हैं। और ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक भी क्या कहते हैं, उत्प्रेरक के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा सेम इसी पर है। देखिए दिया है कि मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम एक प्रकार का होता है, तो ये क्या होता है, मोलिब्डेनम एक प्रकार का उत्प्रेरक वर्धक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक होता है। इसका कार्य क्या होता है, देखिए ऐसा पदार्थ जो स्वतः उत्प्रेरक नहीं होते हैं किंतु किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक को प्रभाव को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या है, ये है, तो इसका मतलब क्या होंगे, ये आयरन के उत्प्रेरक को बढ़ा देंगे, इसके उत्प्रेरक को ये क्या कर देते हैं, हम बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी एक उत्प्रेरक वर्धक हो जाएगा। तो ये सब बातें, ये जितनी बातें हैं आपको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये सब बातें सब ये इसको याद कर लीजिए, ये सब याद करने योग्य बातें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए आर्सेनिक होता है एक, तो देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये उत्प्रेरक विष होता है। देखिए इसकी कंडीशन क्या है कि उत्प्रेरक विष ऐसा पदार्थ होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त तो उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देते हैं, तो उत्प्रेरक विष कहलाएंगे, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। ये सारे के सारे प्रश्न देखिए, अब इसके बाद डेकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस के निर्माण में क्यूप्रिक क्लोराइड को उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो ये सब या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो आज के लिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है, यानी उत्प्रेरक क्या करते हैं, तो उत्प्रेरक का कार्य ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या होते हैं, अभिक्रिया की गति परिवर्तित करना, यानी अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी देते हैं घटा भी देते हैं। उत्प्रेरक मतलब धनात्मक ऋणात्मक, तो धनात्मक रहेगा तो अभिक्रिया की गति को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ऋणात्मक रहेगा तो कम कर देगा यानी स्लो कर देगा, मंद कर देगा। तो ये थे इसकी कंडीशन उत्प्रेरक की। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वंदे भारत।